जी इस टाइम हम मौजूद हैं यास्मीन महमूद आर्ट गैलरी में, और ये फर्स्ट टाइम जो है ना लायलपुर गैलरिया में आज इनकी एग्जीबिशन 80 आर्ट गैलरी है, और इनके इनका जो आज पहली दफ़ा ये यहाँ पे आई है मौजूद है, और इनकी बहुत प्यारी पोर्ट्रेट यहाँ पे आया, हम आपको विजिट भी कराएंगे और थोड़ी सी बात भी कराएंगे। जी मैम कैसी हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, आज अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ अपनी कुछ जो काविश है, अपनी कोशिश है, अपनी मेहनत है, उसको लेके आज आवाम के सामने खड़ी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों ने, मेरे प्यारे प्यार करने वालों ने मुझे इतनी सपोर्ट किया है कि आज सब मेरे शाना बशाना खड़े मेरी इस खुशी में और मेरे इस प्यारे से इवेंट में मेरे साथ हैं। तो आज माशाल्लाह यास्मीन साहबा की सारी फैमिली, इनके बेटे बेटियां, इनके हस्बैंड, माशाल्लाह नजमा अफजल साहबा है जो MPA हैं सबका, और किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। तो आइए इनके हस्बैंड से पूछते हैं। जिस बहुत अच्छी बना रही है, बहुत अच्छी बना रही है, बहुत मेहनत करती है। टाइम हमारे साथ अहमद मौजूद हैं जो कि मैम के दामाद हैं, और ये माशाल्लाह बड़े पेंटिंग लवर हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनको कैसा लगता है इनकी जो सास है वो पेंटिंग बनाती है। दीज ऑल पेंटिंग शो द क्रिएटिविटी ऑफ मैम। दीज पेंटिंग द फर्स्ट द व्हिच वन ऑफ दिस पेंटिंग द हॉर्स इज सो कूल एंड दिस इज वेरी फैंटास्टिक पेंटिंग। This shows the most creativity of the ma'am. This painting for victory, this painting for mother love, and this painting for creativity. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये पेंटिंग करती हैं या पेंटिंग क्रिएटिविटी है, ये एक आर्ट है, ये हर किसी के पास नहीं होता। ये देखें कि पेंसिल की मदद से या किसी भी क्रिएटिविटी की मदद से ये लोगों को भी इस चीज़ की एकासी होनी चाहिए कि ये लोग जो पेंटिंग लवर हैं वो उन्हें इनको क्रिएटिविटी मिलेगी इन सारी पेंटिंग में। ये पेंटिंग आम बाजार से नहीं मिलती क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रिंटेड पेंटिंग यूज़ करते हैं, ये खुद अपने हाथों से मेहनत करके बनाती हैं। बाकी आप इनकी क्रिएटिविटी को आप खुद भी देख सकते हैं कैमरे की मदद से। आपको इनकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग कौन सी लगी? और सबका MPA नजमा अफजल मौजूद है जो कि यास्मीन साहबा की बड़ी क्लोज बेस्ट फ्रेंड है, और वो स्पेशल है इनकी जो आज एग्जीबिशन में मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं। आप मैम आपको कैसा लगा ये पेंटिंग, आप कैसी आप देख रही हैं इसको? जी मैं तो समीना की बहुत ही फ़ैन हूँ, यास्मीन की बहुत ही फ़ैन हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस अंदाज में पेंटिंग में आहिस्ता आहिस्ता एक कमाल तक पहुँच गई हैं। पहले ये मुझे बताया करती थी कि ये थोड़ा बहुत अपना शौक पूरा करती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इनकी पेंटिंग्स जो इन्होंने डिस्प्ले पे लगाना शुरू की तो आई वाज रियली इम्प्रेस, क्योंकि शी मेक्स सो ब्यूटीफुल फिगर्स। यानी एक फिगर को आप किस तरीके से उसकी हर चीज़ परफेक्ट लगती है, जैसे बाजू है तो उसका जो टेक्सचर वो पता लगता है, फिर जो कपड़े उस पर डाले होते हैं ना, ये असल आर्ट होता है कि जो कपड़े का टेक्सचर पता लग रहा है कि अगर वो बारीक कपड़ा है तो उसमें वही फ्लो आ रही है, और अगर वो हैवी कपड़ा है तो वो नज़र आ रहा है कि ये शायद कोई वेलवेट है या कोई चीज़ है। तो दिस इज़ कॉल्ड आर्ट, और मैं समझती हूँ कि इनको इस पर बहुत अबूर हासिल हो गया है, और अब ये माशाल्लाह जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ये ज़्यादा अपने फ़न में अपने अरूज कमाल तक पहुँच रही है। और इसमें ख़ास तौर पर जो एनिमल जो इनका है ना आर्ट, कि किसी भी एनिमल को लेके, जैसे हॉर्स है, ये मेरे ख्याल में इनका फेवरेट है, हॉर्सेस बहुत खूबसूरत बनाती हैं, हॉर्स का जो मसल्स है, जो उसका एक ब्यूटी होती है हॉर्स की, वो बड़े अच्छे तरीके से उजागर करती है। तो ये एक मैं इससे बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ जो इन्होंने एक विक्ट्री का इसमें स्टोरी है कि किस तरह एक घुड़सवार जो है वो भागा जा रहा है और वो निशानदेही कर रहा है कि ये को जीत कर आगे बढ़ रहा है। तो इसी तरह ये जिस तरह ये हॉर्स है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने इसको पेश किया है, और फिर ये बॉडी फिगर्स जो हैं, ये एक कपल है, इसको जिस तरह डिस्प्ले किया है, उसकी ये जिस्म का ऊंच नीच वो ऐसे जाहिर हो रही है, उसकी उंगलियों को देखें आप कितने खूबसूरत, उसका सब चीज़ वाज़े नज़र आ रही है। तो मैं वाकई इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं समझती हूँ कि आगे आगे ज़िंदगी में ये मज़ीद इनको अल्लाह ताला कामयाबी हासिल कर दे और ये अपने फ़न में मज़ीद अपना नाम पैदा कर सके।
बहुत शुक्रिया जी। नजमा अफजल साहबा ने बड़ी तफसीलन बताया कि हकीकत के करीब तरीन रंग भरे हैं इसमें, तो ऐसे लगता है जैसे ये जीते जागते शाहकार हैं, अभी बाहर निकल के तो आ जाएंगे और हमसे बातचीत करेंगे, और वो भी बातचीत करेंगी आज की जो एग्जीबिशन है उसके लिए स्पेशल ये रावलपिंडी से आई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं समीना की बड़ी सिस्टर हूँ। मैं बचपन से लेके अब तक मैं इसको एक कलम पकड़ाई थी कि इसको लेके तुम्हें रंगों में भरना है, तो माशाल्लाह मैं इसे बड़ा फख्र फील करती हूँ कि इसे जो समझाया गया माशाल्लाह इसने इतनी तरक्की की है कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि आने तक भी ये देखें आपके सामने ये सब ये हॉर्स देखें, आपको इसके काम का पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा काम किया हुआ है। तो आप इंशाल्लाह आएँ और आके देखें इसकी गैलरी में कि ये कितना अच्छा काम किया और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस टाइम दानियाल है जो कि इस आर्ट गैलरी की मैनेजमेंट में आई है, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे स्पेशली पूछते हैं कि यास्मीन महमूद की पेंटिंग आपको कैसी लगी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पास फैसलाबाद में इस तरह के आर्टिस्ट हैं, और हम आईटी आर्ट गैलरी हमेशा इमर्जिंग आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता आया है और प्रोफेशनल्स को भी, तो आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। और मैडम यास्मीन शी इज़ वन ऑफ द प्रोफेशनल आर्टिस्ट, और जैसे आप इनका काम देख सकते हैं इनके बहुत ज़्यादा मैच्योर स्ट्रोक्स हैं एंड द वेरी ब्यूटीफुल कलर स्कीम दे हैव यूज्ड, एंड जो भी इनकी इमेजरी है और जो बैकग्राउंड में इन्होंने इसके इमेजिनेशन और थाट्स एंड दे वेरी ब्यूटीफुल एंड वेल पोर्ट्रेट। सो वी होप कि आगे भी हमारे साथ ये काम करते रहें एंड वी विश हर वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।